शेरू है कहीं है नहीं, हमारे पास चार हफ्ते निकल गए, छह हफ्ते और। What's up guys, स्वागत है आप लोगों का रो टू प्रो कार्ड के एपिसोड नंबर 5 में। सबसे पहले भाइयों इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत सारा प्यार। और भाइयों सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कई बार है ना कन्फ्यूज हो जाते हो, और मैंने बोला भी था फिर भी है ना बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई ऐसे ही कोच चेंज कर लेते हो, कोच चेंज करते रहोगे तो प्रैप कैसे हो पाएगी, कोच चेंज क्यों किया। तो दो वीडियो पहले मैंने टाइगर सर के साथ वीडियो बनाई थी, और मैं वहाँ पर किसी इम्पोर्टेंट काम से गया था फरीदाबाद, जहाँ पर मैं नितिन भाई से मिला था। उसके बाद मैं टाइगर सर के पास गया था, तो मैंने सर के साथ वीडियो शूट करी थी टाइगर सर के साथ, ताकि मैं कुछ नया सीख सकूँ। और आप लोगों ने कमेंट में क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसको देखकर मेरे को बहुत अजीब लगा कि मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं टाइगर भाई से मिलने आया हूँ, ठीक है। आप लोग बोल रहे कोच चेंज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, मैंने कोई कोच चेंज नहीं किया है। मेरे कोच है मुकेश सर, और टाइगर भाई भाई बहुत बढ़िया कोच है, उनके साथ मेरे को ट्रेनिंग करके बहुत बढ़िया लगा। पर जब मैंने देखा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई क्यों कोच चेंज किया, कौन है कोच, तो फाइनली भाई सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो इस प्रैप में मेरे कोच है वो मुकेश सर ही है। और अभी मैं थोड़ी देर बाद वहीं ट्रेनिंग करने जाऊँगा, आज हम करेंगे अपनी चेस्ट को ट्रेन, ठीक है। हमारा बल्किंग सेशन चल रहा है, और बल्किंग में भाइयों अच्छा नहीं लगता यार, फैट वगैरह आ जाता है ना बॉडी में, मज़ा नहीं आता। बट क्या करें, अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको गेन करना पड़ेगा, फिर लॉस करना पड़ेगा फैट, फिर मसल गेन होगी थोड़ी बहुत, फिर फैट गेन करना पड़ेगा, मसल गेन होगी, फिर कट डाउन करना पड़ेगा। और गिव अवे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, या बाद में पूछें, चलो बाद में पूछ लेंगे भाइयों, वीडियो को एंड तक देख लेना, गिव अवे क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। अब हम चल रहे हैं वर्कआउट करने, लव यू ऑल। तो हम पहुंच गए भाइयों वर्कआउट करने, आज हमारा फिजिक अपडेट का डे है। आज मैं आप लोगों को अपनी फिजिक दिखाऊंगा कि हो कैसी गई है, कमेंट में बताना। पंप मार लेता हूं थोड़ा बहुत। तो आज है हमारा चेस्ट डे, वैसे भी हमारी चेस्ट कमज़ोर है आपको पता होगा। तो सर चेस्ट में क्या करना है आज? पहले तो शेड्यूल देखते हैं। हाँ देखा सर की आज 10 तेज है, बादाम खा खा के, मतलब वैसे भी तेज है। मेरे को सर ने 3-4 दिन पहले बोला था नया शेड्यूल बनेगा मेरा सिंगल पार्ट का, मतलब याद तो है ना सर, अभी तो पुराना ही देख रहे। मेरा कल था लेग्स और शोल्डर, तो मैं ये करता हूँ सर, अब मैंने बता रखा ना सिंगल में क्या करता हूँ, चेस्ट फिर शोल्डर फिर बैक, 4 सेट पुशअप्स के। पुशअप्स करने की एक बढ़िया टेक्निक है कि आप या तो ब्लॉक ले लो, अगर आपके जिम में ब्लॉक नहीं है तो किसी भी चीज़ पर पैर रख लो। इससे क्या होता है कि आपकी चेस्ट पर एक कॉन्स्टेंट टेंशन आती है, जिससे आपकी चेस्ट बढ़िया ग्रो होती है, अगर आप अच्छे से करना चाहते हो। एक तो भाई मैं अभी शो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा खेलना है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पास एक गोल आ जाएगा ना जिस दिन कि हाँ भाई ये शो खेलना है, तो मेरी मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो भी लोग यहाँ पर प्रैप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि हम अभी जून में शेरू क्लासिक खेलने वाले हैं, ठीक है। अब मुकेश सर ने मेरे को ये बोला है कि जब तक हम तगड़े नहीं हो जाते ना बहुत ज़्यादा, जीतने लायक, मेडल लायक, उससे पहले हम स्टेज पर नहीं चढ़ेंगे। वैसे भाइयों आज मेरी बॉडी देखना, पोजिंग करेंगे, आज सर को मेरी अपडेट लेनी है कि बॉडी कैसी हो गई है। बल्क में चल रहा हूँ अभी, पेट आता है तो अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग इसी का नाम है। मतलब जब मैं 70 किलो का हुआ करता था, 72 किलो का, मैं इतना लीन था, इतनी एस्थेटिक बॉडी लगती थी, पर जब हम गेन करते हैं ना तो फैट आता है यार, मसल गेन करते हैं तो वो अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करें भाई, करना पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग का सबसे टफ पार्ट है अपनी डाइट को फॉलो करना। इंसान एक दिन अच्छी डाइट फॉलो करके रात को सोचता है कि ये चीज़ मुझे कल भी लेनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं हम करेंगे। तो भाइयों स्टार्ट कर रहे हैं हम इंक्लाइन प्रेसिस से, और पिछली बार जब मैंने चेस्ट वर्कआउट किया था मेरे बुखार था बहुत ज़्यादा, आज तुम्हारा भाई फिट है, और आज जितना मुकेश सर बोलेंगे उससे 2 रैप एक्स्ट्रा मारूँगा, याद रखना।
भाई वो पंपसा नहीं आ रहा, प्री वर्कआउट ले लेता हूँ क्योंकि आज फिजिक अपडेट देनी है ना, तो तगड़ा दिखना चाहिए। मेरे को लगा था कि आज जरूरत नहीं पड़ेगी, पर एक तगड़ा पंप चाहिए तो प्री वर्कआउट मैं हमेशा लेता हूँ। यह है बिग मसल्स न्यूट्रिशन का बेस्ट प्री वर्कआउट, जिसका नाम है कार्नेज किंग ऑफ प्री वर्कआउट। इसकी जो पैकेजिंग है वो आज तक की बेस्ट पैकेजिंग है किसी भी सप्लीमेंट प्रोडक्ट की। फ्लेवर है सेक्स ऑन द बीच, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। आपकी नींद खराब नहीं करेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देगा। ये नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट खुजली करने के बाद बस हो गया। और जिसको बजट के अंदर एक प्री वर्कआउट चाहिए वो भी बेस्ट क्वालिटी में, तो बिग मसल्स न्यूट्रिशन का कार्नेज किंग ऑफ प्री वर्कआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। पिछली बार 8 आए थे, हाँ, टी शर्ट पहन के सेम आना चाहिए। चल, एक दो तीन चार पाँच छ सात शाबा, चल 8 दो रहेंगे। नो एक और, चल ये बॉडी को देख के फर्क आ जाता है सर, टी शर्ट में लगती है। क्या मेंटेलिटी कैसी होगी है कि जब तक है ना कंपटीशन पास नहीं होता ना, ऐसे फील होता है कि कर लेंगे यार मेहनत। मतलब ऐसा मैं करता नहीं, पर एक बैक ऑफ द माइंड यही चलता मेरा कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी कौन सा हमें ऐसे रहता ना, जैसे शेरू है हमारे पास 4 हफ्ते निकल गए, 6 हफ्ते और ये सीजन, बल्कि के 6 हफ्ते मतलब 12 ट्रेनिंग है। अगर एक सिंगल पार्ट करते तो 6 ट्रेनिंग है। पूरी मेहनत कर लूँगा तो सर पहुँच जाऊँगा मेडल तक कहीं ना कहीं। तो 6 या 8-10 ट्रेनिंग कितना गेन कर जाएंगे? 2-2.5 किलो मसल मास गेन होगा। हमें चाहिए 8-9 किलो, टाइम है ही नहीं, लिमिटेड है। तो देखा भाइयों, सैंडो पहनते ही टी शर्ट उतारते ही ज्यादा पावर आ जाती है। चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, चल गड़गी पार, चल पा, चल एक और 10 लगे, पूरे 9, एक और चल, हाँ, नो पेन नो गेन। पहले सर यही कोट होते थे जिमों में, हार्ड वर्क नो पेन नो गेन, और 5-6 अच्छे-अच्छे बॉडी बिल्डरों की फोटो, जे कटलर, आर्नोल्ड और रूनी कोलमैन, और सबसे फेवरेट पोज कौन था सर आपका? मेरा तो पता नहीं, ऐसे तो मैं तो हरेक मोस्ट मस्कुलर नहीं, मजा नहीं आता था। मोस्ट मस्कुलर में ये इस तरीके से करता हूँ तो ठीक लगता था, ये वाला मेरा सही नहीं लगता था। फ्रंट लैट स्प्रेड तो अच्छा था बहुत, नहीं मेरा साइड चेस्ट ट्राइसेप, हाँ सर की फोन पे भी वही फोटो है जब आया करे साइड चेस्ट, अब आया मेरे दिमाग में। तो चेस्ट प्रेस के बाद हम फ्लाई कर रहे हैं ताकि जो सारी मसल टेंशन है वो चेस्ट पर आए, ठीक है। ये है आपकी कंपाउंड मूवमेंट, ये होगी आपकी आइसोलेशन, दैट्स व्हाई फ्लाई बाद में करते हैं और प्रेसिस पहले करते हैं। इंक्लाइन बैठकर, मतलब उल्टा बैठकर, क्योंकि इस बेंच की जो एंगल है वो कम है, इंक्लाइन पे करूँगा तो उसका ज़्यादा एंगल होता है तो वो भी शोल्डर पर आ सकता है, तो हमें स्ट्रेट और इंक्लाइन के बीच में चाहिए। दस लगाने, 1-2-3-4-5-6
सात तीन आठ लगा लगा नौ दस दौड़ लगा दे चल एक और लास्ट बस नो एक्सक्यूज हमारे पास सिर्फ फ्रेम फ्रेम है बॉडी में और कुछ नहीं है भाई उस 15 दिन रह जाएंगे सही बात है सर नहीं सर ने मेरे को एक वो दे दिया मोटिव कि मेरे पास फ्रेम तो है अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो वो सिर्फ मेरी मेहनत में फिर हमारी कमी है कर लेंगे सर तो मसल बढ़ानी जिनकी बढ़ती है असली बॉडी बिल्डिंग की मसल गेन कर गेन ही तो है सही बात है सर मतलब मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ सर अब फील होता है कि यार मुश्किल है मसल मास बढ़ाना बार बार फैट गेन करना थोड़ी मसल गेन करना फिर कटा करना फिर गेन करना ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पुश करना पड़ेगा मसल मास गेन करना तो और आजकल की सर इतनी फास्ट जनरेशन हो चुकी है कि उनको कटिंग ही चाहिए एब्स ही चाहिए मैंने देखा है कि पर एथलीट को तो स्टेज पे जिस दिन दिखना है उस दिन के लिए काम करना है मुझे उस दिन कैसा दिखना है जिस दिन जैसे निक वॉकर करता है बिल्कुल निक वॉकर ऐसे खड़े रहेगा इंडिया पे कैसा दिख रहा हूँ कि ऑक्सीजन मुझे कोई मतलब नहीं है सही बात है सर अब मैं भाइयों आपको एक एग्जांपल देता हूँ अगर मैं 70 किलो का था ना जब 70-72 का अगर मैं कटिंग पे हूँ ना तब मैं इससे बड़ा दिखूंगा जितना मैं 90-92 किलो में हूँ क्यों फैट है बॉडी में जब मसल दिखती है ना तो बहुत बड़ा लगता है इंसान कैमरा पे मसल फ्लेक्स होकर बड़ा दिखता है अभी मसल है ही बाइसेप्स को छोड़ के बाइसेप्स अब क्या करूँ सर हो गए इसके चार सेट भाइयों मुकेश सर मेरे को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि मैं इस फैट को भी झेल पाता हूँ मैं सच बता रहा हूँ मेरा कभी कभी मन करता मैं कटिंग स्टार्ट कर दूँ एब्स निकाल लूँ पर फिर मुकेश सर बोलते हैं कि क्या फ़ायदा उस बॉडी को ले जाने का वही बॉडी 5% बढ़िया करके क्या ले जाने का जब दुनिया 20-25% बढ़िया करके आएगी तो फिर वहाँ खटक जाता है कि यार छोड़ यार ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं 25-30 साल चले गए सर की बॉडी बिल्डिंग करते करते कटिंग में मेहनत करना बहुत आसान होता है कि आपको पता होता है 4 हफ्ते बाद कंपटीशन है स्ट्रिक्ट कटिंग करनी है गेनिंग में मेहनत करना और फैट बढ़ता दिखना बहुत मुश्किल है दोनों चीज़ें एक साथ होती है कि आप मेहनत भी करते हो फिर भी फैट आता है बॉडी में आप सोचते हो यार क्या फ़ायदा बॉडी तो दिख नहीं रही पर इसी से मसल बड़ी होगी कभी आप कटिंग में मसल नहीं बढ़ा सकते मसल बढ़ेगी जब गेन होएगा मतलब फैट आएगा चलो भाइयों क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं क्या पूछूं भाइयों आज आपसे भाइयों आज का क्वेश्चन है और बात रही विनर की भाइयों पिछले वीडियो में मैं डालना भूल गया था ठीक है इस वीडियो में पूछ लेते हैं लाइक कर देना और आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ ठीक है आपको अपने मन से चूज़ करना है रैंडम भाई को अपना विनर चूज़ कर दूंगा अगले वीडियो में आपको एक सप्लीमेंट दे दूंगा एड्रेस भेज देना इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन है अगर आपको दो ही ऑप्शन मिले डाइट या वर्कआउट ठीक है कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो ही ऑप्शन है ये मतलब बोलना कि डाइट ज़रूरी है या वर्कआउट भी ज़रूरी है या डाइट 70 आप बताओ क्या लगता है आपको जैसे मेरे को लगता है कि वर्कआउट ज़रूरी है अगर दो ही ऑप्शन है तो ये लास्ट वर्कआउट है हमारा लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं घोड़ी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्स मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है अगर मैं किसी भी पार्ट की एक्सरसाइज को देखूं तो मेरी फेवरेट है मुकेश सर जा रहे बाय कर देता हूं भाई मेहनत करनी है भाइयों मेडल लाना आपकी बार अगर मेरा मेडल नहीं आता ना सिर्फ मेरी वर्कआउट में कमी होगी याद रखना सामान मैं चला लूँगा डाइट में ले लूँगा बचा क्या जेनेटिक्स मेरे को पता है मेरे मेंस फिजिक के हिसाब से परफेक्ट है
मुकेश सर हमेशा ये बोलते हैं, तो रहा क्या, सिर्फ मेहनत में कमी। बस भाई वो खत्म वर्कआउट, अब चलते हैं। गाड़ी भी सर्विस से आ गई होगी, अपनी सर्विस पे गई हुई थी। तो भाई वो पहुंच चुके हैं पश्चिम यार वाले जिम में, और आज एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ है, वो है कि सोनिया अपने आज तक का सबसे बड़ा शूट कर रही है किसी ब्रांड के लिए, वो भी टीवी कमर्शियल। ठीक है, ये चल ही रहा है यहाँ पर, और वो एक पीनट बटर की ब्रांड है। मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है कि ये शूट टीवी पे भी आएगा, ये मतलब आपको नॉर्मली भी दिख जाएगा, एड हर जगह चलता हुआ। तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? चलो भाई डिस्टर्ब नहीं करते अभी, तो शूट तो खत्म हो चुका है अभी तुम्हारा। yes. तो अब बताओ क्या कहना चाहोगे? किस बारे में? कि मेरे को भी खिला दोगे अपनी ब्रांड का पीनट बटर? हाँ खिला दूंगी, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना, तो तुम चॉकलेट खा सकते हो। एक स्टैक मेरे को भी दे दोगे? हाँ दो स्टैक दे दूंगी। चलो भाइयों अब चलते हैं, कार आने वाली है, कार गई हुई है सर्विस पे। कितने महीने से नहीं धुली थी वो कार? नवंबर से नहीं धुली थी। तो 2023 से कार नहीं धुली हमारी। हाँ। अंदर से बाहर से डेली साफ होती है। हाँ। तो हमने सोचा सर्विस पे भेज देते हैं, क्योंकि आगे के जो दोनों टायर थे ना वो दोनों गंजे हो गए थे, ठीक है, और उनमें से तार निकलने लग गए थे, तो अब यहीं छोड़ जाएगा वो, पास ही है सर्विस। 3 दिन लगे कार को ठीक होने में। तो भाई अपना शूट खत्म हो गया, अमेजोन पे सर्च कर लेना प्योर फार्म्स पीनट बटर। अब चल रहे नीचे, क्यों? क्योंकि अपनी कार आ गई सर्विस के बाद, 3 दिन बाद नहीं होके टायर वायर सब चेंज करा दिए, किंग है पूरी जिम में। मेरे को वो हायाबुसा अच्छी लगती है। आ गई भाई अपनी नई कार, नई लिया जैसे लग रहा है, नई कार आई है। वैले भी है भाई हमारे जिम में, वैले। वो सर्विस पे गई हुई थी सर। साइन वाइन करना है कुछ? हाँ सर, ये आपका बिल है। देखो वो अंदर बैठ के कैसा लग रहा है, आज नई लग रही है। चलो होगी टेस्टिंग, आगे करके देख ली, पीछे करके देख ली, सही चल रही है। तो भाइयों अब जा रहे हैं वापस से जिम में, थोड़ा सा काम है। और लाइक कर देना भाइयों वीडियो को, लाइक करना मत भूलना, और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में भाइयों, टिल नॉट पीस गेंस।